मानिकसन के मर्डर में हम अविलंब न्याय की उम्मीद करते हैं और अपराधियों के बीच कोई खौफ कोई डर नहीं रहा, क्योंकि समाज भी अपराधियों को तवज्जो देती है। बिहार पटना में जो भ्रष्टम थाना प्रभारी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। मैं चाहूँगा कि उसके बच्चों को उसके पदों पर नौकरी की व्यवस्था हो। इस घटना में अभी तक गिरफ्तारी सही मामले में शूटर की आवश्यक है। बिना बच्चे और परिवार के टायर से शरीर को जला देना और उसके बाद माँ का सिंदूर जबरदस्ती मिटा देना, लगातार मुरलीगंज दारू का भी केंद्र बिंदु बन गया है, मर्डर का भी केंद्र बिंदु बन गया। बगल में राटा में 4 लोग मर गए डायरिया से, सरकार निश्चिंत है। प्रशासनिक महकमे में वो इस तरह का हरकत करेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? जब शासन प्रशासन अपराधी माफिया के साथ बैठने लगेगा और पैसा लेके केस रफा दफा होने लगेंगे, 10,000 चिल्लिया गाय खाने के लिए तो दरोगा बोला गाली गलौज माफ बांध करके भगा दिया। स्कूटर 5,000 में मिल जाता है, 10,000 में मिल जाता है। क्या कारण है कि ऊपर से नीचे सब लोग भ्रष्ट है? रोजगार का भी डर नहीं, शासन कानून का डर नहीं, आखिर ये डर समाज में खत्म क्यों हो गया? अब लगातार जो घटना घट रही है, चौकीदार का भी डर नहीं, शासन कानून का डर नहीं, आखिर ये डर समाज में खत्म क्यों हो गया? क्या कारण है कि ऊपर से नीचे सब लोग भ्रष्ट है? ये जो घटना घट रही है लगातार, कॉरेक्स ड्रग्स स्मैक बाय लगातार ऐसी घटना, शूटर 5,000 में मिल जाता है, 10,000 में मिल जाता है। अभी ये गांव के लोग बोल रहे थे कि CSP से हम पैसा निकाल के ले गए, 10,000 चिल्लिया गए खाने के लिए तो दरोगा बोला गाली गलौज माफ बांध करके भगा दिया। जब शासन प्रशासन अपराधी माफिया के साथ बैठने लगेगा और पैसा लेके केस रफा दफा होने लगेंगे, प्रशासन चुप हो जाएगा और अपने भी प्रशासनिक महकमे में वो इस तरह का हरकत करेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? बगल में राटा में 4 लोग मर गए डायरिया से, सरकार निश्चिंत है। चौकीदार की जो घटना घटी अभी चामगढ़ में, लगातार मुरलीगंज दारू का भी केंद्र बिंदु बन गया है, मर्डर का भी केंद्र बिंदु बन गया। मारा तो मारा, मारने के बाद जो दरोगा ने जिस तरीके से किया हुआ, बिना बच्चे और परिवार के टायर से शरीर को जला देना और उसके बाद माँ का सिंदूर जबरदस्ती मिटा देना, ये सनातनी व्यवस्था संस्कृति के खिलाफ थी। इसको तो डिस्चार्ज होना जो जाना चाहिए था। इस घटना में अभी तक गिरफ्तारी सही मामले में शूटर की आवश्यक है। जमीन विवाद के चलते हत्या हुई, 4 मोटरसाइकिल से देखे गए, उसके बच्चे ने खुद देखा। अभी तक मैं चाहूँगा कि उसके बच्चों को उसके पदों पर नौकरी की व्यवस्था हो और परिवार को 20 लाख रुपया और अविलंब SPD ट्रायल करके सजा हो। लेकिन जो थाना प्रभारी और जो बिहार पटना में जो भ्रष्टम थाना प्रभारी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। समाज में लोगों को न्याय नहीं मिल पाती है और अपराधियों के बीच कोई खौफ कोई डर नहीं रहा, क्योंकि समाज भी अपराधियों को तवज्जो देती है। समाज भी अपने अपने जात के अपराधी को आइकॉन मान लेते और उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। इसीलिए मानिकसन के मर्डर में हम अविलंब न्याय की उम्मीद करते हैं, SPD ट्रायल की उम्मीद करते हैं, नौकरी की व्यवस्था चाहते हैं और 20 लाख रुपया मुआवजा। आगे अभी चामगढ़ मैं जा रहा हूं, हत्या का जो दौर है और चामगढ़ में जो घटना घटी है उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी को न्याय के लिए आप जो भी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं उसका सस्पेंशन हो। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।